First, before making the layout of floral strip, first create flower as I am creating. तो जैसे कि आप देख रहे हो, पहले एक छोटा सा फ्लावर क्रिएट कीजिए। यहाँ पे मैंने विदाउट सेंटर, बीच में विदाउट सेंटर यूज़ किए बिना मैंने फ्लावर बनाया है। बट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मेकिंग दिस काइंड ऑफ फ्लावर डायरेक्टली, देन फर्स्ट ड्रॉ अ वेरी लाइट सर्कल राउंड, देन with the reference of that circle or round or the center, just create flower. So for directly, first create one petal, then create another second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. So in this way, just practice for making this kind of flowers, then just do this design. But before that, you need to practice for making this kind of flower. So as you can see, first I have created this four flowers. ये चार flowers बनाने के बाद मैंने ऐसे ही अब हर एक दो flowers के बीच में spiral circular shape create कर रही हूँ. Just add that spiral circular shape between each of these two flowers. Again, just create one more flower and give the shape of strip for backhand. Continue in this way according to the length that you want to create. It's a very simple one. You have to just keep in mind only 2 to 3 elements for making this whole design. जैसे कि आप देख रहे हो, ये एकदम ही simple है और repetitive मेहंदी design है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये flowers और ये circular shape ही हमें याद रखना है. एंड दिस काइंड ऑफ डिजाइन इज बेस्ट सूटेबल डिजाइन फॉर स्मॉल बेबी. ओके, अब जब इतना कंप्लीट हो गया है, नाउ रिमेनिंग थिंग इज लीफ एंड स्मॉल डिटेल्स. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, तीन लीफ का जो क्लस्टर है वो मैं ऐड कर रही हूँ हर एक दो फ्लावर्स के बीच में. और बीच में जो भी जगह है वहाँ पे आप छोटे छोटे डॉट्स क्रिएट कर सकते हो. वापस तीन लीव्स क्रिएट कीजिए. अगेन ऐड थ्री लीव्स. Just fill whole space between each of these two consecutive flowers. Add leaves. हर एक दो फ्लावर के बीच में हम लीव्स ऐसे ही ऐड करेंगे. तो इससे क्या होगा, ये जो बॉर्डर है स्ट्रिप की वो हम क्रिएट कर सकेंगे लीफ, ये लीफ यूज करके. ये जो एलिमेंट है ग्रुप ऑफ थ्री लीव्स, उससे हम एक पूरी बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं.
जैसे कि आप देख सकते हो एट द एंड आई एम एडिंग द ग्रुप ऑफ दिस थ्री लीव्स जस्ट टू गिव द शेप ऑफ लीव. और जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे आप डॉट बना दीजिए ताकि क्या पूरी जो स्ट्रिप है वो भरी हुई लगेगी, सिर्फ उसमें फ्लावर्स जो है वो ग्लो करेंगे एंड हाइलाइटेड होंगे. नाउ जस्ट आई एम अबाउट टू फिनिश माय स्ट्रिप वर्क, सो जस्ट क्रिएटिंग वन मोर फ्लावर, देन विल ऐड टू सर्कुलर शेप between these two flowers, two circular spiral shapes, then add some number of dots, random number of dots, and at the end just cover it with the three leaves. तो ये जो है वो हमने without reference line create किया है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं होता है डायरेक्टली स्ट्रिप क्रिएट करना, तो उस केस में आप दो रेफरेंस लाइन क्रिएट कीजिए एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टू रेफरेंस लाइन जस्ट मेक फ्लावर्स एंड फिल इट. तो ये जो डिज़ाइन है वो एकदम ही सिंपल है और ये हर एक फेस्टिवल में कोई भी ओकेशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपने हाथ पे. एंड द सेम डिज़ाइन यू कैन ऑल्सो रेप्लीकेट ऑन फॉर फिट डिज़ाइन ऑल्सो, फिट पे भी एज अ बॉर्डर एंड एज अ स्ट्रिप आप दोनों जगह पे ये यूज़ कर सकते हो डिज़ाइन. ओके, अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग थिंग है दैट्स द डॉट्स. अब मैं सर्कुलर ट्रायंगुलर फॉर्म में छोटे छोटे डॉट्स बनाऊंगी. जस्ट आई एम एडिंग सिक्स डॉट्स इन अ सर्क्यूलर फॉर्म. ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जस्ट टू कवर स्पेस I am adding this. Okay, thank you so much for watching. Just try this design.